हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको अरवी के पत्ते से स्वादिष्ट रेसिपी बनाना बताऊंगी। इसका आप कई तरीके की रेसिपी बना सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके, आप वीडियो को देख सको। तो पत्ते को हमने धो लिया है, अब इसके डंठल काट लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए चावल का आटा और बेसन। तो चावल का आटा और बेसन को आप चाहो तो घर पे बना सकते हो। यहाँ पर चावल को मिक्सी में पीस लेंगे, 2 कप चने की दाल है इसे भी पीस लेंगे। आटा और बेसन तैयार हो जाएगा। इस तरह से फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। बेसन भी पीस चुका है। तेज़ बारिश हो रही थी इसलिए हमने चावल का आटा और बेसन घर पे तैयार कर लिया है। अब लहसुन और मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। एक छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे। लहसुन मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी को साफ कर लेंगे। चौथाई चम्मच हींग डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसमें खटास के लिए नींबू का जूस या आमचूर पाउडर डाल सकते हो, यह बहुत ज़रूरी होता है। तो आधा नींबू का जूस हमने निचोड़ दिया है, आमचूर पाउडर भी डालूंगी। इसमें आप थोड़ा सा सब्जी मसाला या चाट मसाला डाल सकते हो। यहाँ पर हमने 1 चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी से गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। मिक्सी में जो पानी डाल के रखा था इसे भी डाल देंगे। और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहो तो एक बार बेसन चेक कर सकते हो, थोड़ा सा तीखा कम था तो यहाँ पर हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। जब अच्छा तीखा चटपटा बेसन रहेगा उसी हिसाब से यह रेसिपी भी बहुत अच्छी बनती है। इस तरह पत्ते को उल्टा करके इसमें बेसन लगाएंगे। बेसन ना तो बहुत ज़्यादा लगाना है ना तो बहुत कम लगाना है, मीडियम में लगाना है, जिससे एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता अच्छे से चिपक जाए। इसी तरह 6 से 7 पत्ते में यह रेसिपी तैयार हो जाती है। गांव में इसे लपेटुआ भी बोलते हैं। इस पत्ते का आप कई तरह का रेसिपी बना सकते हो।
एक बड़ी थाली के ऊपर रख कर हमने 6-7 पत्ते पर बेसन लगा लिया है। अब इसे दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर भी बेसन लगा लेंगे। लपेटने के बाद इसके दोनों साइड बेसन लगा देंगे। इसी तरह और तैयार कर लेंगे। गैस पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। जो बड़े पत्ते होते हैं डंठल के पास टाइट होता है, इस तरह से काट के बेसन लगा सकते हो। अब यहाँ पर हमने बेसन लगा लिया है, इसे भी फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। पानी गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर रखकर आधे घंटे के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 15-20 मिनट में एक बार पानी को चेक कर लेना है। जैसा मोटा पतला आप लपेट के रखोगे उसी हिसाब से इसे पकाने में 30 से 40 मिनट लग जाता है। और इसे अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी खाने में मज़ा आएगा, जीभ में असर नहीं करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो चाकू क्लीन निकला है, यानी अच्छे से पक चुका है। दूसरे बर्तन में रख देंगे, 10 मिनट के लिए ठंडा हो जाएगा। अब यह ठंडा हो चुका है, पीसेज में काट लेंगे। यह जब तक गर्म है तब तक बिना फ्राई किए भी अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हो, फ्राई करके भी खा सकते हो। अगर आपने ज़्यादा बना लिया है तो इसे 2 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते हो, या ख़राब नहीं होता है। जितना खाना है उतना काट के फ्राई करके खा सकते हो। तवे को अच्छे से गर्म करके सरसों का तेल डाल दिया है, सेलो फ्राई कर लेंगे। यह ऐसे भी बहुत चटपटा लगता है। कुछ लोग इसे आम के अचार के साथ या खटाई वाली चटनी के साथ पसंद करते हैं। हरी धनिया की चटनी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने देंगे, एक साइड हो जाएगा तब दूसरी साइड पलटेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल और डाल के फ्राई कर लेंगे।
हरी धनिया की चटनी बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के पीस लेंगे। सर्व करने के लिए रेडी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। देखने के लिए थैंक्स।